हेलो फ्रेंड्स, रोहिम मस्टानो क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करेंगे सेकंड प्लेस के वोवल। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी कि सेकंड प्लेस के वोवल हैं जो हम उनको कैसे अप्लाई करते हैं और उनके रूल क्या क्या हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ। तो पिटमैन ने हमें एक सेंटेंस दिया था फ्रेंड्स, वो आपको याद होना चाहिए। क्या था वो? पा मे वी ऑल गो टू, और एक क्या था? दैट पेन इज नॉट मच गुड। अब मैं ये जो हमने सेंटेंस लिखा, हम इनको थर्ड पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। हमारा ये पा ऑल दैट नॉट, ये हमारा बनता है फर्स्ट प्लेस के वोवल जो मैंने आपको पहली वीडियो में करवा दिए हैं, और ये बनेंगे हमारे सेकंड प्लेस के वोवल, और ये हमारे थर्ड प्लेस के वोवल। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट प्लेस का। पा में हम ये मैंने आपको बता दिए थे कि कौन से लाइट वोवल आएंगे और कौन से डार्क वोवल आएंगे। तो मैं अब आपको बताऊंगी सेकंड प्लेस के वोवल। मे को हम, अगर मे में मे है ना, तो इसमें हमें बड़े ए की साउंड आएगी। मे गो, इसमें आएगी हमें ओ की साउंड, और पेन इसमें आएगी हमें छोटे की, और मच इसमें जो हलंत वाला ए होता है उसकी साउंड आएगी। तो मे है, इसको हम डार्क डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ए, अगर किसी वर्ड में ए की साउंड आती है तो हम उसे डार्क डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और किसी वर्ड में ओ की साउंड आती है तो हमें उसे डार्क डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर किसी वर्ड में लाइट ए की साउंड आती है या छोटे ए की साउंड आती है तो हम इसे लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर किसी में मच की साउंड आती है ना, हलंत वाला है कि वो थोड़ा सा बोला जाए, मच लाइट बोला जाए, तो हम उसे लाइट डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये अब आपको मैं बताऊंगी कि जो इसके रूल्स क्या हैं, सेकंड प्लेस वोवल के रूल। वोवल रूल्स क्या क्या रूल है? फर्स्ट तो ये रूल है कि बगैर पेन पेंसिल उठाए हमें वर्ड बनाने हैं, विदाउट लिफ्टिंग द पेन पेंसिल। अगर हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसको विदाउट पेन पेंसिल के उठाए बनाएंगे। जैसे हम बनाते हैं, जैसे बनाया पेड़, तो हम इसको बनाएंगे पी डी, अरे ए यहाँ पे लगा दिया, पेड़। और सेकंड रूल क्या है हमारा? फर्स्ट स्ट्रोक अगर हॉरिजॉन्टल है और उसके बाद डाउनवर्ड स्ट्रोक आता है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है जो अबव द लाइन लिखा जाएगा। अगर फर्स्ट स्ट्रोक हॉरिजॉन्टल है और उसके बाद डाउनवर्ड स्ट्रोक आता है हॉरिजॉन्टल है जो हमारा अबव द लाइन लिखा जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है फ्रेंड्स सेकंड प्लेस के वोवल का। और जैसे मैं अब आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ कि ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है कैसे अबव द लाइन लिखा जाएगा। जैसे मैट है, मैट, तो ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल आ गया, सेकंड टी हम डाउनवर्ड में लिखते हैं, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? एम टी, और ये ई का हमारा वोवल लग गया, मैट, नेट, ऐसे ये
केट के टी गेट जी। अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो हमारा अगर पहले हॉरिजॉन्टल आता है, अगर बाद में डाउनवर्ड आता है, तो हम जो हमारा जो ये स्ट्रोक है वो अबव द लाइन लिखे जाएंगे, जैसे मैंने आपको ये बताया। अब मैं आपको बताऊंगी कि लाइट डॉट वोवल कैसे बनेंगे, डार्क डॉट वोवल कैसे बनेंगे। तो पहले मैं आपको लाइट डॉट वोवल बताती हूँ। डॉट वोवल ऑफ सेकंड प्लेस, लाइट डॉट वोवल का हमारा क्या था, हम जैसे पेन हमारा कौन से में आता है, लाइट डॉट में आता है ना, तो मैं इसके आपको एग्जांपल बताऊंगी। जैसे क्या है, रेड, तो आर डी और ई का हमारा वोवल लग गया। मेट, एम टी, पेट, पी टी, ये ई का हम वोवल लगा रहे हैं, लाइट लगाना ये डॉट। बेट, बी टी, नेट, मैन, ये दोनों हमारे जो है हॉरिजॉन्टल हो गए, तो हम इनको ऑन द लाइन लिखेंगे। केट, फ्रेंड्स इनमें हमें लाइट ए की साउंड आ रही है, जैसे छोटा ए बनाते हैं हम उसकी साउंड आ रही है, जैसे नेट, मैन, नेट, बैट, ये स्पीडली बोले जा रहे हैं और हमने साउंड कम आ रही है। फेड, बेक, बी के, डेल, रे के, गेट, जी टी। ये हमारे हो गए लाइट डॉट वोवल। अब डार्क डॉट वोवल, अब आपको ये इनमें डिफरेंट पता लग जाएगा कि लाइट वोवल कहाँ पे लगाने और डार्क वोवल कहाँ पे लगाने, इनकी साउंड से आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्या लिखा मैंने, पे, अब आप खुद भी बोल के देखो, पे, और ये क्या था, नेट, इसमें लाइट साउंड आ रही है और इसमें डार्क साउंड आ रही है, पे डा की जो साउंड है इसमें ज़्यादा आ रही है, पी ए पे, और इसमें लाइट साउंड आ रही थी, जैसे मे, मे, ये लॉन्ग साउंड जा रहे हैं ना, मे पे, और ये लाइट, ये शॉर्ट साउंड थे, नेट, डेल। अब देखो, बे, बी ए, बेट, बी टी, के ए, एपे, ये वोवल पहले है तो हम इसको पहले लगाएंगे। ये है एड, एड, बेल, पेड, पी डी, इनमें हमें लॉन्ग, ये लॉन्ग साउंडेड वोवल है तो डार्क डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये थे लाइट साउंडेड वोवल, इनको लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी लाइट डैश वोवल। उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो उनके वर्ड आएंगे हम उनमें वोवल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो फ्रेंड्स, इनमें मैंने क्या बताया था कि हलंत वाले ए की साउंड आती है, या छोटे ए की,
ये क्या है? कट। जल्दी बोला गया ना, और एक शॉर्ट साउंडेड वोवल है, तो हम इसको बनाएंगे के टी, कट। बट, ए की साउंड आ रही है ना, थोड़ा सा ए की साउंड आएगी, बट कट, तो ये बट बन जाएगा हमारा बी टी, डम। डी एम, रट। और टी, इनको हम लाइट डेथ से रिप्रेजेंट करेंगे। कल, के एल, डच। डी सी एच, डच। रंग, मार क्या है? रंग। लंच, लंग। मच, एम सी एच, मच। ये हमारे हो गए लाइट डॉट वोवल, जिनमें हमें ए की साउंड आएगी, और हम इनको लाइट डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। लाइट डैश वोवल, लाइट डैश वोवल में फ्रेंड्स याद रखना कि हमें ए की साउंड आएगी, हल्के ए की। आप बोल के देखो, कट, बट, रट, डल, डच, रंग, लंज, मच। अब डार्क डॉट वोवल, ना डार्क डैश वोवल, इनमें हमें आएगी ओ की साउंड। जैसे क्या है? रोट, रोट। लॉन्ग साउंड है ना, तो हम इसको बनाएंगे ऐसे, आर टी, रोट। कॉल, ऐसे लगेगा कॉल। ये देखो डिफरेंट, ये था कॉल, ये है कॉल, तो हम इसको ऐसे डार्क डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो, डोम, डी एम, और ये ओ का वोवल। रो, आर ओ, रो। अब बनाएंगे फो, इसको एफ ओ, बोर, बी ओ, बो, डोर, लॉर्ड, अपने एक बात नोटिस की होगी, हमें इसमें डार्क सा साउंड आ रही है कि लॉन्ग साउंड आ रही है, ओ की साउंड आ रही है हमें इसमें, इसके अंदर। तो इससे आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा कि हम डार्क डैश कहाँ पे लगाएं, लाइट डैश कहाँ पे लगाएं। मोड, एम डी, मोड। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कल वाली वीडियो में मैं आपको थर्ड प्लेस के वोवल कराऊंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।